नमस्कार छात्रों, ई 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में अभी तक हमने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन और कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर पढ़ा है। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या रहता है? पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होगी, एम और एन। हर एक का जो एरिया है वो ए मीटर स्क्वायर है और ये डी मीटर पे एक दूसरे से दूरी पर हैं, और इनके बीच में जो मीडियम भरा हुआ है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक परमिटिविटी है, वो एप्सिलॉन आर के बराबर है। अगर हम प्लेट एम को प्लस क्यू कूलम चार्ज दें तो जो फ्लक्स पास होएगा मीडियम से, साई से जिसको लिखते हैं हम, वो क्यू कूलम के बराबर रहेगा। फ्लक्स डेंसिटी इन द मीडियम है वो हम निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू साई बाई ए। साई की वैल्यू क्यू के बराबर है तो ये ए के साई जो है वो क्यू के बराबर आ जाएगी, और ए के बराबर ए से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा हमारे पास। अब हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालें। ई वो होती है वी बाई डी के बराबर। वी पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेटों के मध्य और डी है दोनों के बीच की दूरी है, तो डी है उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन ई। डी का मान हम पहले निकाल चुके हैं क्यू बाई ए के बराबर, तो डी की जगह क्यू बाई ए रख दें और एप्सिलॉन, और जो ये था वैल्यू ई की जो वैल्यू है वो v बाई डी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे d और e का मान हमने रखा, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करें तो q बाई v है वो आ जाएगा एप्सिलॉन a बाई डी के बराबर, और जो q बाई v हो किसके बराबर रहता है, c के बराबर, इसलिए जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a बाई डी। अगर यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी जो मैंने भरा एप्सिलॉन आर नहीं होके एयर होती तो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाता, उस केस में सी जो है कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू हो जाती एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर आ जाती वैल्यू। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें कैपेसिटेंस का मान सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर रहेगा। मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी के बराबर रहेगा। अगर इसका एक दूसरा केस कंसिडर करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मीडियम पार्टली एयर है, मीन्स टोटल जो है वो कैपेसिटेंस दोनों प्लेटों के मध्य, उसमें हमने एक डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस टी के बराबर है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, बाकी है वो एप्सिलॉन नॉट एयर है। तो एयर पार्टली है, कुछ पोर्शन में टी थिकनेस में हमने एक डाल दिया है, यहाँ पे डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दी है। जो मीडियम है वो पार्टली एयर है और पार्टली दूसरी डायलैक्ट्रिक स्लैब है टी थिकनेस है, और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर मानी हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आएगी जिसको हम डी लिखते हैं क्यू बाई ए के बराबर, वो दोनों मीडियम में, इसमें एयर और डायलैक्ट्रिक स्लैब दोनों में बराबर रहेगी, लेकिन इनकी जो डायलैक्ट्रिक जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वो तो सेम रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई है उनका मान अलग अलग रहेगा। माना कि जो स्लैब है ये वाली, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ई वन है और जो एयर है उसमें इसका मान ई टू के बराबर है, तो ई की वैल्यू हम निकालते हैं, ई वन की वैल्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई टू की वैल्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो वी है, तो वी को निकालते हैं, ई वन यहाँ की इंटेंसिटी को इसकी थिकनेस से गुणा करें और यहाँ की इंटेंसिटी को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी इज इक्वल टू ई वन इंटू टी प्लस ई टू इंटू डी माइनस टी, ये जो थिकनेस एयर की स्पेस बचेगी वो डी माइनस टी के बराबर रहेगी। E1 और E2 का मान रख देते हैं हम, E1 की वैल्यू है D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और E2 का मान है D अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यूज यहाँ रखी है हमने, तो V जो है वो आ जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू टी प्लस D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में T माइनस टी। इन दोनों में D अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा, बाहर रखें, यहाँ से बचेगा T अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस D माइनस टी, और D जो वैल्यू है उसकी वैल्यू दोनों में कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू क्यू बाई ए के बराबर है, तो D की जगह हमने रखा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट हम सी निकालें जिसका मान क्यू बाई वी के बराबर रहता है,
अभी वैल्यू वी की निकाले, वी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो सी की वैल्यू ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि मीडियम टोटली एयर हो तो टी है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो उस केस में टी का मान यहाँ ज़ीरो रखो, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सेम वही है जो अभी हमने निकाला था पहले, अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटर है वो इंक्रीज हो जाएगा इसमें, डायलैक्ट्रिक स्लिप जैसे हम इसमें डालेंगे। तो फिर तीसरा उदाहरण इसमें कंसिडर करते हैं कंपोजिट मीडियम, मींस अलग अलग मीडियम है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है, तीन स्लैब्स हमने कंसिडर किए जिनकी थिकनेस T1, T2 और T3 है और इनकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन R3 है। ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच में तीन डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए। इस टाइप का जो मीडियम है कंपोजिट मीडियम, एक से ज़्यादा मीडियम है वो कंपोजिट मीडियम कहलाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग है, थिकनेस भी अलग अलग है। मान लो कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में वो वी है और तीनों स्लैब के बीच जो वोल्टेज है वो V1, V2 और V3 है, तो V जो है वो इन तीनों के सम के बराबर रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि D है वो तीनों मीडियम में सेम रहेगा लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अलग अलग रहेगी। माना कि इनकी वैल्यू E1, E2 और E3 है, डी सब में सेम रहेगा, तो हम E1, E2, E3 की वैल्यू पहले निकाल लें और टोटल वी निकाल सकते हैं। तो वी आ जाएगा E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2 प्लस E3 इंटू T3 के बराबर आ जाएगा। E1 की वैल्यू रखें, डी अपॉन एप्सिलॉन फॉर्मूला है, पहले वाले के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 आ जाएगा, सेकंड के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और थर्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 के बराबर वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो वी जो है वो आ जाएगा, डी का मान क्यू बाई ए रखें, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। सी है वो निकालें तो क्यू बाई वी के बराबर आ जाएगा और वी का मान यहाँ रखते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। कंपोजिट मीडियम का टोटल कैपेसिटेंस है, यहाँ पे हमने तीन स्लैब इंसर्ट की, दो हो तो T1 T2 आ जाएगा और चार हो तो फिर T1 T2 T3 T4। इस ढंग से हम इनके निकाल सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस, कितने मीडियम है उसके अनुसार हम इसको आगे कर सकते हैं। थैंक यू।